सो वेलकम बैक जी को फिर से धमाकेदार वीडियो। इस वीडियो में क्लास 10th का आपका गणित का पेपर कंप्लीट करने वाले इस वीडियो में, तो वैसे आपको वीडियो के अंत तक बने रहना। देख लीजिए कुल प्रश्न आपके 23 से आपको देखने मिलने वाले हैं। चलिए सभी प्रश्नों के आपके आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर सही विकल्प चुनी है, तो वही सही विकल्प चुनना है जो कि 6 नंबर के है। पहला है AP 3 4 जो है 3 1 और -1 और -3 का सर्वांतर ज्ञात करना है। तो वैसे इसको अगर आप हल करेंगे तो वैसे इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसमें जाएगा 2। तो वैसे इसमें बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सॉरी गाइस इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा -2 हो जाएगा, इसका आ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सर्वांतर निकल कर आ जाएगा -2। इसके बाद आ जाता है दूसरा बहुपद x² -3 की शून्यांक हो गई, तो वैसे इसकी शून्यांक हो जाएगी यहाँ पर ±, और √3। तो वैसे आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है नेक्स्ट इसमें आपको जो है इसमें अनुपात बताना, तो वैसे इसका अनुपात हो जाएगा, इसमें आपको लिख देना है बा ऑप्शन करेक्ट आंसर, 4:9। इसके बाद नेक्स्ट जाता है समीकरण हुआ है x² + x - 2 = 0। इसके 4 वास्तविक मूल होंगे या कोई दो वास्तविक मूल होंगे या कोई वास्तविक मूल नहीं होगा या का एक वास्तविक मूल है, तो वैसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके जो है कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, तो इसमें लिख देना सा ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसके बाद 12 और 15 का SCF होगा, तो इस 12 और 15 का SCF हो जाएगा यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर द ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक SCF, यहाँ पर SCF होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसमें आपको जो है करेक्ट आंसर देख लीजिए, हमने राइट चेन लगा दी वही आपके करेक्ट आंसर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन दूसरा, रिक्त स्थान भरें, तो वही देख लीजिएगा पहला आया, यहाँ पर आपको ऑप्शन भी देखने मिलने वाले हैं। तो इस पहले का जो यहाँ पर देख लीजिए बहुपद x² + 4x + 8 के शून्यांक का योग, तो इस इनके योग हो जाएंगे -4, इसमें -4 भर दीजिएगा। इसके बाद एक किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए LCM और SCF डॉट होगा, तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए गुणा बी करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए फटाफट आंसर आंसर आपके बता देते हैं। तो इसमें आपको भर देना √1 डॉट डॉट संख्या है परिमेय संख्या, तो इसमें लिख देना परिमेय संख्या। इसके बाद है भाज्य बराबर भाजक, यहाँ पर दिया हुआ है, और गुणा भागफल प्लस डॉट डॉट हो जाएगा, यहाँ पर इसका हो जाएगा शेषफल। इसके बाद नेक्स्ट रहता है समांतर श्रेणी 2 4 6 8 डॉट डॉट का दसवां पद, तो दसवां पद हो जाएगा, इसका दसवां पद आपको लिख देना है 20, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर सभी विराट डॉट डॉट होते हैं, क्या होते हैं समरूप होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समरूप। इसके बाद यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 का विभक्तक ऋणात्मक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं इसके आगे का जो आपका रिक्त स्थान है, तो वही देख लीजिएगा ये रहा आपका नेक्स्ट। तो वैसे इसमें आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आपको वास्तविक मूल नहीं है या वास्तविक, तो वैसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वास्तविक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सही जोड़ियों का मिलान कर लेते हैं, चलिए फटाफट आपकी सही जोड़ियाँ मिला देते हैं। तो वैसे यहाँ पर पहले का आपको मिला देना है रैखिक बहुपद, तो वैसे इसका रख देना है रैखिक बहुपद। इसके बाद दूसरा दूसरे का 2 से मिला देना है, इसके बाद तीसरे का अनंत हो जाएगा, चौथे का एक द्विघात बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। इसके बाद पांचवा हो जाएगा bx² - 4ac। इसके बाद छठवां हो जाएगा यहाँ पर, तो वैसे आपके देख लीजिएगा सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं यहाँ पर जो है आपके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखना है, चलिए फटाफट आपके जो है एक शब्द वाक्य के उत्तर देख लेते हैं। तो वैसे यहाँ पर देख लीजिएगा पहला है समरूप आकृतियाँ एक का उदाहरण है, तो वैसे यहाँ पर पहले का आपको समरूप आकृति का एक उदाहरण हो जाएगा वृत्त, इसमें आपको क्या लिख देना वृत्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए, तो इस पाइथागोरस प्रमेय का कथन का जो है आपको लिख देना है, यहाँ पर देख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय जो है काफ़ी लॉन्ग आंसर है, इसका 2 लाइन का है, तो इसका आंसर जो है आपको हम बाद में बता देंगे। इसके बाद तीसरा 2 आकृति हैं जिनके आकार यहाँ पर देखिए आकार जो है आकार समान हो परंतु आमाप समान ना हो, क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं समांतर रेखाओं का एक युग्म कहलाता है, तो इसमें लिख देना है समांतर रेखाओं का एक युग्म कहलाता है, तो वही इतना लिख देना आपको युग्म कहलाता है, इतना आपको लिख देना ठीक है। इसके बाद द्विघात समीकरण यहाँ पर x + x + 1 = 0 के विभक्तर का मान है लिखिए, तो वही इसका विभक्तर का मान हो जाएगा -3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो वही इसका मानक रूप हो जाएगा यहाँ पर लिख देते हैं ax² फिर हो जाएगा +bx + हो जाएगा c = 0, इतना आपको इसमें पांचवा लिख देना है। समीकरण इतना दिया हुआ और y = इतना, तो x का मान ज्ञात करना है, तो इसे x का मान आ जाएगा इसमें 11, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर इसमें देख लीजिएगा इसका है यहाँ पर r ap = इतना दिया हुआ है,
तो इस इसमें 40 पदों की संख्या बताना है, तो 40 पद हो जाएंगे इसमें 10, तो इसी आपके देख लीजिएगा करेक्ट आंसर हो जाते हैं, फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं सतसत, तो इस देख लीजिएगा यहाँ पर एक प्राप्त संख्या आभाज गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य। इसके बाद है घात एक के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है सभी सर्वांग आकृतियां समरूप होती हैं परंतु इसका विलोम जो है सत्य नहीं है, तो इसका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर इसमें द्विघात समीकरण है, तो इसी आपका जो है द्विघात समीकरण बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको आपको असत्य कर देना, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर मूल बिंदु एक्स वाई की दूरी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आपको सत्य लिख देना। इसके बाद बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यंक का गुणनफल सी बटे ए है, तो इसी आपको सत्य हो जाएगा, तो इसी आपके सत्य सत्य कंप्लीट हो जाते हैं, फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद देख लीजिएगा ये प्रश्न उत्तर आ जाते हैं, फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न छठवां सातवां आठवां देख लीजिएगा, आठवां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर आठवां का अथवा है, देख लीजिए आठवां का अथवा है। इसके बाद नौवां क्वेश्चन है दसवां है, तो जल्दी से आप स्क्रीन शॉट लेते चलिए क्योंकि जो इसके क्वेश्चन भी हमें इसी वीडियो में आपको बताना है। देख लीजिएगा इसके बाद ग्यारहवां के बाद बारहवां क्वेश्चन, तो इस जल्दी से स्क्रीन शॉट लेते चलिए। बारहवां के बाद तेरहवां, जल्दी से तेरहवां का स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। चौदहवां का देखो इस बारहवां तेरहवां चौदहवां जल्दी से स्क्रीन शॉट। इसके बाद पंद्रहवां सोलहवां यहाँ पर देख लीजिएगा सत्रहवां तक है, तो भाई जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। चौदहवां पंद्रहवां सोलहवां सत्रहवां, तो इस सत्रहवां तक स्क्रीन शॉट लेने के बाद चलिए हम नेक्स्ट पे आपका सत्रहवां का अथवा देख लीजिए। सत्रहवां का अथवा देख लीजिएगा, ये रहा आपका सत्रहवां का अथवा। इसके बाद है अठारहवां क्वेश्चन का अथवा का स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है यहाँ पर उन्नीसवां क्वेश्चन, तो कोई जल्दी से उन्नीसवां क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। इसमें दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका जो है योग 17 और गुणनफल 72 हो, ऐसी आपको संख्याएं बताना दो। इसके बाद यहाँ पर अथवा है देख लीजिएगा, ये रहा इसका अथवा। इसके बाद है बीसवां क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है क्या, तो इसी आपको बताना है क्यों यहाँ पर। इसके बाद इसका अथवा, तो इसी रहा इसका अथवा। इसके बाद है यहाँ पर 21वां क्वेश्चन, तो इस यहाँ पर देख लीजिएगा, ये रहा आपका 21वां। यहाँ पर दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्याओं के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात करना है, तो इसी यहाँ पर इसमें संख्या ज्ञात करना है। इसके बाद अथवा गुणनखंड विधि से समीकरण इतने को हल करना आपको, ठीक है। इसके बाद है आपका 22वां प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए, दो समीकरण दिए हुए इसके आपको प्रतिस्थापन विधि लगाना है। इसके बाद दर्शाना है जो है -5√3 एक अपरिमेय संख्या। इसके बाद है 23वां विलोपन विधि द्वारा रैखिक समीकरण को जो है हल करना, तो इन दोनों को आपको जो है विलोपन विधि द्वारा हल करना है। इसके बाद अथवा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण या छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है उन्हें ज्ञात कीजिए, तो इसी इतना आपको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो इसी आपके पूरे 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब इनके आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाले, तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।